नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के चान्हो में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्रदेश भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि चान्हो की घटना राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। राज्य की बेटियां किसी कोने में भी सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा पीड़िता को सुरक्षा दी जाए और मामले में दोषी अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अविलंब फांसी की सजा हो। इस मुद्दे को सबसे अगर कहते राज्य में सबसे अहम जो संस्था है बाल संरक्षण आयोग, सरकार के बनने के बाद नील बट्टा जीरो पूरी तरह शून्य है, कोई नहीं है। 2000 अप्रैल 2019 के बाद बाल संरक्षण आयोग में ना अध्यक्ष ना मेंबर कोई नहीं है, जो कि इस बच्चों के संरक्षण को, बच्चों की देखभाल के मामले को लेकर जो चलती है वो कहीं नहीं है। तो ये सरकार ना तो महिलाओं के प्रति, ना बच्चों के प्रति, ना कहते हैं कि झारखंड, ना झारखंडियों के प्रति, ना आदिवासी का नाम पर ये जो अपने आप को वोट मांगते हैं, इन आदिवासियों बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कहीं भी ईमानदार नहीं है। और आज जैसे कुछ बच्चियों से जो उनके साथ थे, उन बच्चियों से हम लोगों ने बात किया और उन बच्चियों का चेहरा जो डरा हुआ था और कह रही थी कि आज अगर हम घर में अपने आंगन में सुरक्षित हम नहीं हैं तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो डर, ये जो भय जो उनके चेहरे में है, या क्या इस डर और भय को दूर करने के लिए आप खड़े हैं? एक शब्द आप नहीं बोलते हैं। ये सरकार, ये हेमंत सरकार, ये चाहे वो ट्वीट पर चलने वाली सरकार, महिलाओं ये महिला विरोधी हैं और महिलाएं और बेटी यहाँ पूरी तरह असुरक्षित है और एक डर का माहौल बना हुआ है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इनको फांसी की सजा हो ताकि ये समाज के लिए और उस बच्ची के लिए, उन बच्चियों ने भी कहा था कि दीदी ऐसे निकम्मे, ऐसे दरिंदे, ऐसे बदमाश छूटने नहीं चाहिए। अगर वो छूटेंगे फिर अगल बगल के हमारी कितनी ऐसी बहनें हैं जो फिर इनके चंगुल में फंसेंगे, कितनों की जिंदगी बर्बाद होगी, कितनों का असमत लूटा जाएगा और कितनों का जो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो ये छूटने नहीं चाहिए, इनको सजा की, मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से अविलंब सुनवाई करते हुए तमाम चीज़ों को, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के तमाम चीज़ों को महिला पदाधिकारियों के माध्यम से ये करते हुए इनको फांसी की सजा मिले। पीड़िता के घर नहीं जा कर के उन लोगों को के पास जाए जहाँ पे बैठक होती है और वो एक ये बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि इस पर क्या काम होना चाहिए, कार्रवाई आगे की कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जाकर मना करने का औचित्य क्या है और ये बताने की ज़रूरत क्या है कि तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, उन्हें जेल हो गया है।